अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, तो अच्छे ही रहिएगा क्योंकि आज है 12 रबीउल शरीफ, तो मैं उसी पे एक छोटा सा ब्लॉग लेके आया हूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है आपको। आई होप कि आपको पसंद आएगा, तो यार पसंद आएगा तो लाइक कर देना। मैंने पूरी रात मेहनत करके एक चीज बनाया हूँ जो आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। देख के कमेंट करके जरूर बताइएगा यार कि कैसा लग रहा है, और लगेगा तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना। और चलिए मैं चलता हूँ 12 रबीउल के शरीफ के ऊपर, क्या क्या प्रोग्राम होता है मेरे गांव में, कैसा होता है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। बस बने रहना इस वीडियो के लास्ट तक। अपने भाई को भी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, मैं आईडी डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। तो चलिए चलता हूँ, मैं पूरी रात जो मेहनत करके बनाया हूँ उसको पहले दिखा दूँ, फिर आगे बढ़ेंगे जुलूस की तरफ। ठीक, तो गाइज यार ये है मेरी पूरी रात की मेहनत। देख सकते कितनी खतरनाक ही गाड़ी सज चुकी है, अभी तो बहुत ही मजा आने वाला है, देख ही सकते हैं। तो यार फाइनली गाइस गाड़ी चलने के लिए तैयार हो गए, जुलूस के लिए भी लोग पूरा रेडी हो चुके हैं। ये मेरा भाई बनाया है, वो जो ऊपर रोजा दिख रहा है, गाड़ी मैंने डेकोरेट किया है, मैंने आपको उसमें दिखाई दिया है। मैं आगे पीछे पूरा करके दिखाता हूँ, कितना प्यारे लग रही है गाड़ी, पूरा तिरंगे का शेप दिया गया है। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है आपको, आप कहाँ से हैं और 12 रबीउल कैसे आप लोग मनाते हैं, वो भी बैनर में मेरा भी फोटो छप ही गया है गाइस, मैं वो हूँ टोपी लगा के। ठीक, तो आगे चलते हैं, क्या होता है, अभी पूरा जुलूस निकलने वाला है और पुलिस प्रशासन भी आ ही चुकी है यहाँ पे, देखते हैं कैसा होता है, चलिए चलते हैं। तो फाइनली यार ये गाड़ी निकल चुकी है अभी जुलूस के लिए, देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक लग रहा है, रोजा तो इतना प्यारा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ, गाड़ी मेरे को सबसे डेकोरेट मस्त लग रही है। तो भाई फाइनली मैं भी पगड़ी बांध लिया, सब लोग पगड़ी ऐसा बांधा है, सबको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है। और समझाने वाले मेरे को मिल रहे हैं, ये है पैदल जुलूस, अभी बाइक वाला जुलूस तो बचा ही है यार गाइस, अभी चलते हैं बमनी, बमनी का दिखाते हैं नजारा एक से एक। अभी थोड़ा कुछ लोग पढ़ रहे हैं, पढ़े एंजॉय कीजिए, और ये पूरा भी निकला है अभी तो थोड़ी है, आगे चलवा देखिए क्या होता है। तो यार भाई लोग गाड़ी कुछ पीछे से ऐसी लग रही है, ये देख सकते हैं कुलपान भाई नौजवान कमेटी के सहयोग, और गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है, गाड़ी में क्या है मैं दिखाता हूँ। ये है रोजा एकदम काबा शरीफ, और बहुत ही प्यारा लग रहा है अंदर से, और बाहर से कितना प्यारा लग रहा है आप देखिए। ये मेरे बड़े भाई तबर्रुक को तकसीम कर रहे हैं सब लोगों में, तकसीम मतलब होता है बांटना, सब तरफ देख सकते हैं सब लोगों में थोड़ा थोड़ा हर जगह नाश्ता पानी कर रहे हैं, और हर जगह नाश्ता था, मेरे घर भी था, मैं अपने घर का नहीं बना पाया, बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई।
जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत थेला हो सलाम मुस्तफा। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। तो गाइस यार अभी सलाम हो रहा था, सलाम हो चुका है, अब चलेंगे बाइक जुलूस की ओर। अभी हम लोग जाएंगे बबनी, बाइक वाले फिर वहाँ से लेके आएंगे हम लोग बबनी। क्या नज़ारा होता है, आप लोग देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है यार मेरे गांव। हुसैन वाले हैं पर दोनों हाथ उठाकर बोल लो, लगता है मेरे भाई हुसैन वाले नहीं हो। नारे तकबीर, नारे आगे या पीछे हो, या तो पीछे या तो आगे, इससे झूठ न बढ़ाए अपने फिर चांद हो जाना, ये गलत है, ये हाथ में से करवा।